बढ़ो आगे बढ़ो। मेरा नाम है श्रुति ललित। कहाँ पर आई हैं आप? मैं टेकरी पे आई हूँ आज। कौन सी माता? चामुंडा माता और तुलजा भवानी। नवरात्रि का पहला दिन कैसा महसूस करी दशहरा का? बहुत अच्छा, जैसे हर बार लगता है देवास में पॉजिटिविटी, ऐसे ही हमको आज भी लग रही है। क्या लगा, कितने श्रद्धालु हैं आज? मैं तो अभी गिन नहीं सकते, पर हाँ बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ आई, इतनी की उम्मीद नहीं थी हमें पहले ही दिन। क्या भीड़ आने का कारण, क्या क्या कारण भीड़ आती है? श्रद्धा भक्ति लोगों की, वही है कारण। क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जिम्मेदार आदमी एक भी नहीं दिखा वहाँ पे, सारी भीड़ जमा हो गई। वो तो सुबह का टाइम है तो आदमी इतना खड़ा हो गया, अगर उमस और दिन में इतनी पब्लिक जमा हो जाएगी तो जिम्मेदार मेरे को एक भी विसिल बजाते हुए नहीं दिखा। क्या और पुलिस प्रशासन की लापरवाही? पुलिस प्रशासन का एक भी सिपाही नहीं दिखा और जिम्मेदार आदमी एक भी दिखा, और चार पाँच जो प्रोटोकॉल के अंदर घुस रहे थे और सेल्फी ले रहे थे मोबाइल से, सुबह का रिकॉर्डिंग। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, क्या बोलेंगे आप? मैं कहूँगा व्यवस्था होना चाहिए, पहले दिन में यह अव्यवस्था है वहाँ पे, एक भी जवान वहाँ विसिल बजाते हुए नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं। देवास के एसपी संपत उपाध्याय हैं, या सुबह उठ के आप उनको कहना चाहिए, उनको सुबह अपना गुप्तचर छोड़ना चाहिए, वहाँ व्यवस्था क्या देख के आए खुद से बताएगा। आपको एक भी पुलिस जवान नहीं दिखे? मुझे एक भी विसिल बजाते तो पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, उठ के आए कि नहीं आए। अच्छा, और व्यवस्था इतनी बेकार। आज कौन सा दिन है नवरात्र? आज पहला दिन था, लेकिन व्यवस्था इतनी जमा हो गए लोग, वो आरती में सबको जमा कर दिया। आरती में एक रास्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें लोग निकलते रहे, लेकिन सब आरती के नाम से लोगों को जमा कर दिया। अगर कोई भीड़ में गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या लगता है, लापरवाही प्रशासन की? बिल्कुल लापरवाही है, पहले दिन में लापरवाही थी, पता नहीं वो सोए घर में, यहाँ तो मुझे कोई दिखा ही नहीं।